हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सबसे पहले तो दिल से थैंक यू कि जो सेक्टर वाइज एनालिसिस मैंने शुरू की है, जहां पर सरकार कैपेक्स कर रही है, सरकार की प्लानिंग है, जहां पर विदेशी ब्रोकिंग हाउस ये मान रही है कि ये सेक्टर अगर मोदी सरकार आती है तो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, उन सारे सीरीज को बहुत बेहतरीन प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देख लें। और वहीं पर सेबी की एक बिग ब्रेकिंग न्यूज है शॉर्ट सेलिंग बैन से रिलेटेड, वो आपको जानना जरूरी है क्योंकि आप सबको पता है अदानी हिंडनबर्ग न्यूज के बाद क्या हुआ था मार्केट में। तो एक्चुअली क्या है, सेबी लास्ट कुछ सालों से काफी एक्टिव हो गई है क्योंकि रिटेल भाइयों का पार्टिसिपेशन बहुत तेजी से बढ़ा है। और जो आप देखते हो इंडियन मार्केट में गिरावट नहीं आती है एक बड़े पैमाने पर जो पहले आया करती थी, उसके पीछे भी आप लोगों का हाथ है। तो इसके लिए सबसे पहले तो सैल्यूट है और एक लाइक बनता है जो आप सब कर सकते हैं खुद के लिए। आपने भी सेबी की शॉर्ट सेलिंग न्यूज सुनी है तो आपको क्या लगता है, ये सेबी ने सही किया है या गलत किया है, कमेंट में पहले आप बताइए, जिससे जब मैं बताऊंगा और आप मिला पाओगे तो आपको लगेगा नहीं सही गलत, तो कमेंट बताइए, आइडिया लगेगा। और यहां पर सेबी लगातार मार्केट को सेफ और बेटर बनाने के लिए बहुत सारा एक्शन और प्रिकॉशन कर रही है, जिसमें म्यूचुअल फंड और डीमेट अकाउंट में नॉमिनी के एडिशन से लेकर टी प्लस जीरो के सेटलमेंट और सर्किट ब्रेकर जैसे काफी सारे इंपॉर्टेंट रूल को लाया गया है। ये स्टेप ना केवल मार्केट में क्या है लिक्विडिटी लाते हैं, बल्कि दुनिया में टॉप के एक्सचेंज से इंडियन मार्केट को बेटर बनाने की भी कोशिश करते हैं। और अब वापस से फिर से बड़ा डिसीजन, तो आज हम इसी डिसीजन के बारे में बात करेंगे कि रिटेलर को फायदा क्या होगा या नहीं होगा, मंडे को मार्केट खुलेगा तो क्या कुछ बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। तो प्लीज आधी वीडियो को देखकर कभी आप डिसीजन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि पहले वीडियो में कोशिश होती है न्यूज को स्टेप बाय स्टेप समझाना और तब एक फाइनल समरी बताना कि प्लस माइनस करते हुए फाइनल हिसाब क्या बना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हमें शुरुआत करनी पड़ेगी 2007 से, जब ये शॉर्ट सेलिंग की न्यूज और सर्कुलर आया था, तब से तभी जो भी लोग मार्केट में आए हैं इस चीज को समझ पाएंगे। और उससे पहले 10 जनवरी से शुरू हो रही है स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, फ्यूचर और ऑप्शन की मास्टर क्लास, जहां पर आप सीखकर इंट्राडे कैश पोजिशन बिंदास कर सकते हैं, चाहे आपको इंट्राडे करना हो, स्विंग करना हो, पोजिशनल करना हो, कुछ भी कर सकते हैं। हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, रिवीजन क्लास मिलेगा, ट्रेडिंग जनरल मिलेगा, स्क्रीनर मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा। और क्लास खत्म होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे सेशन मिलेंगे जिसमें मार्केट एनालिसिस, आपके डाउट, बहुत सारे मार्केट के पैरामीटर को समझाने के लिए हम बहुत कुछ करने वाले हैं। साथ में न्यू ईयर का महाधमाका ऑफर है, तो 9708094321 पे कॉल कीजिए और हमारी टीम से बात करके सीट बुक कर लीजिए, क्योंकि सीखेंगे तभी कमाएंगे और एक बेहतरीन भविष्य बनाएंगे। तो यहां पर बात करें तो दिसंबर 2007 में सेबी ने अपना पहला सर्कुलर निकाला था शॉर्ट सेलिंग को लेकर, और अब लास्ट 16 अक्टूबर को यानी 2023 में आए तो उस सर्कुलर में कुछ जरूरी बदलाव किए थे, जहां पर काफी सारी चीजें ऑलमोस्ट वही थी, उसमें कोई चेंज या तब्दीली जैसी बड़ी मेजर चीजें नहीं थी। और अभी फिर से 5 जनवरी को एक नया सर्कुलर आया, 5 जनवरी यानी शुक्रवार, जहां मेजर पॉइंट पे नजर डालें तो नेक्ड शॉर्ट सेलिंग इंट्राडे में बैन किया गया है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए, यानी बिग बैन केवल इक्विटी के लिए है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के लिए, एफएनओ में बैन नहीं है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को शॉर्ट सेल के लिए पहले से सेबी को इन्फॉर्म करना होगा, जबकि रिटेल ट्रेडर एंड ऑफ द डे कर सकते हैं ये चीजें, यानी आप रात शाम तक मार्केट बंद होने के बाद आप इन्फॉर्म करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें करने से पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सारे ब्रोकर को शॉर्ट सेल पोजीशन स्क्रिप्ट वाइज एक्सचेंज को देना होगा नेक्स्ट ट्रेडिंग डे से पहले। टाइम टू टाइम सेबी उन सारे स्क्रिप्ट को ट्रैक करेगी और रिव्यू करेगी। इससे फायदा क्या होगा वो हम सब समझेंगे। तो इसमें काफी सारे पॉइंट पुराने सर्कुलर के ही हैं। अभी के चेंज को देखें तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को पहले बताना होगा शॉर्ट सेलिंग और रिटेल वाले को बताना होगा एंड ऑफ द डे, और ब्रोकर को शॉर्ट सेल के पोजिशन अपलोड करनी होगी एक्सचेंज को, जिससे कि सेबी देख सके कि अगर कोई बड़ी पोजीशन बनी है तो वो महानुभाव कौन है, क्योंकि कई बार आप पूछते हो ना ये बड़ी बिकवाली आई, समझ नहीं आया किसने किया, तो अब वो डेटा रहेगा। तो अब आपको फायदा होगा ना कि अगर कोई स्पेकुलेशन हुआ है, कुछ हुआ है,
तो आपको पता तो चलेगा ना, तो वही कहानी से रिलेटेड कहानी है। अब ये रूल आए हैं तो भाई इसके पीछे वजह है कि भैया लाया क्यों, तो मेजर रीजन को समझिए। जिस तरीके से पिछले टाइम में जब अदानी और हिंडनबर्ग की कहानी हुई थी, अदानी के शेयर की पिटाई हुई थी, रिटेल ट्रेडर जम के लॉस में आ गए थे, क्योंकि मार्केट में क्या हुआ, सडनली समझ में आता नहीं है, लोग फंस जाते हैं, बट कमाने वाले तो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर बड़ा शॉर्ट करके कमाए, राइट, बट कौन कमाया ये डेटा कहीं क्लियर नहीं हो सका, राइट है। तो उस चीज के बाद और वहां पर एग्रेसिव शॉर्ट सेलिंग थी, राइट है ना, और इसको लेकर 10 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने चिंता भी जताई थी और सेबी ने एक्शन भी लिया था। तो एक हफ्ते पहले, और साथ में एक और पॉइंट बता रहा हूं, मतलब जैसे अदानी हिंडनबर्ग तो आप समझ गए, अब इसमें एक और पॉइंट है, वो नया है, हिंडनबर्ग से अलग। एक हफ्ते पहले एक शख्स पैनमैन ने इंडियन स्टॉक मार्केट को टारगेट करते हुए अपने फॉलोअर्स को बोला कि इंडियन स्टॉक को डंप करे और यूएस स्टॉक में पैसे लगाए। अब ऐसे में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो एफआईआई के इन्वेस्टमेंट में तो इसकी वजह से भी सेबी ने प्रिकॉशन पहले से ले लिया है। तो यानी क्या हुआ, कोई भी कैसे भी किसी भी तरीके से कुछ भी पंप और डंप करने की कोशिश करे या मैनिपुलेशन करने की कोशिश करे, तो अब क्या होगा, सेबी के हाथ में रहेगा कौन है बंदा। तो ये मेन रीजन है जिसकी वजह से ऐसे स्टेप लिए गए हैं। बाकी इंडियन मार्केट को लिक्विड और लिक्विडिटी यानी क्विकली बाय सेल, कहीं वेरिएशन नहीं, और स्ट्रांग बनाने के लिए सेबी स्टॉक सारे स्टेप ले रही है। लास्ट 2-3 सालों में जिस तरीके से रिटेल ट्रेडर मार्केट में आए हैं, इससे ये जरूरी हो गया था कि सेबी हर तरीके से नजर रखे ताकि रिटेल के पैसे कहीं गलत तरीके से ना जाएं, जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया था। और इसलिए मैंने कहा था कि ये आपकी कोशिश है, आपकी मेहनत है जिसके कारण सेबी इतनी जागृत हुई है। तो एक लाइक सिर्फ आपके लिए तो बनता ही बनता है, और जरूर बटन दबाइए, उसमें कंजूसी ना करिए। तो अब हमें देखना होगा कि सेबी ने इंट्राडे सेलिंग बैन की है, वो किसके लिए की थी और वो क्यों किया गया। अब देखेंगे इससे क्या फायदा होगा या क्या कुछ बदलेगा, राइट है ना, तभी तो मंडे की कहानी होगी। तो ये तो साफ हो गया कि जो स्टॉक एफएनओ में है उन पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंट्राडे शॉर्ट सेल नहीं कर सकते हैं। अब इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कुछ ऐसे कंपनी और उनके शेयर होल्डर को जहां मैनिपुलेशन आसानी से की जा सकती थी, जिसको आसान भाषा में हम पंप और डंप बोलते हैं। तो एफएनओ में नेट सेलिंग पे बैन तो नहीं है, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऐसा करते हैं तो उनको सेबी को पहले इन्फॉर्म करना होगा। इससे किसी भी स्टॉक, जो कि मैंने कहा अदानी वाले कहानी में हुआ था, अगर कुछ भी होता है तो ऐसा हो नहीं सकेगा, क्योंकि करने वाले को भी पता रहेगा कि अब हमारा नाम पहले आ जाएगा। तो अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऐसा करते हैं तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, सेबी के पास डेटा जाएगा और सेबी डिस्क्लोज करेगी और इंफॉर्मेशन पब्लिक आ जाएगा, और वहां पर फिर लोग डरेंगे। तो ऐसे में यह भी नहीं भूलना है कि इसके फायदे तो हैं लेकिन थोड़े नुकसान भी है। जहां एक तरफ मैनिपुलेशन पे रोक लगा रहे हैं, वहीं नेट शॉर्ट सेलिंग बैन होने से इंट्राडे एक्टिविटी पर नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है, क्योंकि प्राइस उस तरीके से बिहेव नहीं करेगा जैसे वो अभी करते हैं। एक मैक्रो लेवल पे देखें तो रिसेंट के कुछ टाइम में काफी सेक्टर में इंडियन गवर्नमेंट ने एफडीआई को 100% इन्वॉल्वमेंट का अलाउ किया। ऐसे में सेबी के इस स्टेप से क्या होगा, एफडीआई का इन्वॉल्वमेंट कैश मार्केट में और बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट अभी और स्ट्रांग और रेगुलेटेड हो जाएगा। यानी वो कहेंगे कि चलो फिर हम कैश में काम करते हैं, पैसे तो कमाने हैं, चाहे पैसे कैसे भी कमाएं। तो ऐसे में एफडीआई वही पैसा लगाना प्रेफर करती है जहां वो अपने पैसे को सेफ रखे और रिटर्न जनरेट कर सके, करेक्ट है ना। तो अब इतने सारे प्रोज एंड कॉन्स के साथ आपको क्या लगता है, सेबी ने सही किया है या गलत किया है, कमेंट में आप बता दीजिए। और उससे भी जरूरी बात, जो इसका इंपैक्ट है, जो आप लोग पूछ रहे थे मेरे से सोशल मीडिया पे कि मंडे को क्या होगा, कुछ खास बड़ा नहीं होने वाला है, ठीक है, कुछ खास बड़ा नहीं होने वाला, मार्केट एज इट ही चलेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक भलाई का स्टेप है जहां पर मैनिपुलेशन को दूर करने की कहानी है। तो मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि इतना ज्यादा जो रिटेल भाई सोशल मीडिया पे पूछ के पैनिक हो रहे थे, कहीं से पैनिक होने की जरूरत है, ओवरऑल आप लोगों के भलाई के लिए ही है। वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, और अगर टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा।